इसका होगा राजतिलक। आप देख रहे हैं आज तक पर, और बड़ी खबर इस समय की आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है चंद्रबाबू नायडू से। जब से ये आंकड़े आने सामने शुरू हुए हैं 292 पे जहां एनडीए दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी 240 के आंकड़े पर उसी के इर्द गिर्द टिकी हुई दिख रही है। ये चर्चा चल निकली है कि क्या जो गठबंधन के साथी हैं उन पर इंडिया गठबंधन की ओर से किसी तरह का पेशकश उनको किया जाएगा, अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाएगी। और इसी के बीच राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। नरेंद्र मोदी से मुलाकात चंद्रबाबू नायडू की हुई है, 292 का आंकड़ा एनडीए के पास, जिसमें 240 पर बीजेपी इस समय अटकी हुई दिख रही है, इंडिया गठबंधन के पास 233। बड़ी मुलाकात ये, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू से बातचीत, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के रुख को देखा जा रहा है। हम आपको विस्तार से आंकड़े दिखाते हैं जो हमारे सामने, ये तमाम आंकड़े आ रहे हैं। मेरी सहयोगी नेहा बाथम आगे और जानकारी देंगी। नेहा, देखिए श्वेता, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था कि जीत का रास्ता यहीं से निकल कर जाता है, और तमाम सहयोगी दलों के बावजूद, चाहे वो निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, आरएलडी हो, उसके बावजूद यहां पर बीजेपी के लिए जो रुझान आ रहे हैं उसमें 36 सीटें ही महज आती हुई दिखाई दे रही है 80 में से, जबकि समाजवादी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर 33 सीटों के साथ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अप्रत्याशित तौर पर यहां पर 7 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जो रुझान बता रहे, लेकिन लगातार बार बार उत्तर प्रदेश के जो तमाम दिग्गज नेता थे, डिप्टी सीएम से लेकर सीएम ने कहा कि हम 80 में से 80 लाने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिखा। लेकिन अब हम आपको वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी दिखा देते हैं कि किस पार्टी को कितने फीसद वोट हासिल हुआ है, और ऐसे में भी यहां पर निराशाजनक नतीजे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहे हैं। अब हम रुक कर रहे हैं बिहार का, क्योंकि बिहार वो जगह है जहां पर पिछली बार शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का हुआ था, 40 में से 39 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर 8 सीटें कम आ रही है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 19 सीटें आई थी, जेडीयू की पिछली बार 16 सीटें आई थी, और अब की बार 2 सीटें कम, यानी कि 14 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस ने भी खाता खोल लिया है, कांग्रेस की 1 सीट यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है, वहीं आरजेडी 4 सीटों पर आगे है, 4 सीटों की बढ़त है, क्योंकि पिछली बार जो परफॉर्मेंस था अगर बिहार का देखें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। मध्य प्रदेश की अब बात कर लेते हैं, यहां की भी कुछ सीटें जो आप बता रही थी अंजना ने भी बताई कि काफी ज्यादा निराशाजनक रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 1 सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है, 29 सीटें, पिछली बार 28 सीटें आई थी, अब की बार 29 में से 29, यानी कि यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में बेहतरीन परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर दिख रहा है, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार खाता तो खोला था लेकिन इस बार 1 सीट का उन्हें नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं अन्य ने यहां पर खाता ही नहीं खोला है, मध्य प्रदेश की 29 सीटों का यह हाल हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर एनडीए खासतौर पर जेडीयू बिहार में बहुत अहम फैक्टर है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ती है। ये गुजरात की तस्वीर है जहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन इस बार यहां पर 2 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है, 24 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त यहां गुजरात में दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर तस्वीर देखें गुजरात की, 26 में से 24 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। राजस्थान, जहां पर श्वेता आपकी सबसे ज्यादा मौजूदगी रही, और यहां पर 25 में अगर भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो महज 14 सीटें, यानी कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। पिछली बार 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल करी थी, इस बार कांग्रेस 8 सीटों से अपना खाता खोल रही है, पिछली बार 0 सीटें आई थी। ओवर टू यू श्वेता। बड़ी खबर इस समय की, देखिए लगातार जो रुझान हमारे सामने आ रहे थे उसमें ट्रिपल सेंचुरी एनडीए की तरफ से,
अभी तक लग चुकी है। 300 का आंकड़ा एनडीए गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। 225 पर इंडिया, रुझान जो है उसके आसपास। और यहां पर देखिए ट्रिपल सेंचुरी पर तालियां यहां पर बज गई हैं, जो हमारा चुनावी स्टेडियम। लेकिन सीधे अर्पिता के पास भी, अंजना के पास आंकड़ों का पूरा विश्लेषण है, लेकिन पहले हम अर्पिता के पास चलते हैं जो दिल्ली के गोल मार्केट पर इस समय मौजूद है। दिल्ली की 7 सीटों को लेकर बड़ा संशय टिकी है कि आंकड़ा कहां पर बैठता है और किसको पूरा बहुमत मिलता हुआ नजर आता है। कैमरामैन रितेश के साथ अर्पिता आर्या, आज तक। तो आप सुन रहे थे, ये ट्रिपल सेंचुरी पार अब एनडीए जाता हुआ दिख रहा है। 301 सीटों पर एनडीए आगे है, 246 पर बीजेपी पहुंच गया है, 246 पर, लेकिन अभी भी बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे। वहीं कांग्रेस पार्टी भी नर्वस 90s की शिकार होती हुई दिख रही है। 96 सीटें उनकी आ गई है, लेकिन सेंचुरी नहीं, 300 वोटों पर। और इसी बीच गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह 6.5 लाख वोट से आगे दिख रहे हैं। कैंडिडेट मैटर करता है, यही चीज पार्टियों को समझना है कि लगातार दो बार एक चेहरे पर जरूर वोट मिला है, लेकिन इस बार कैंडिडेट्स भी मैटर कर रहे हैं। बिल्कुल। और सीआर पाटिल जो कि नवसारी सीट से 7.5 लाख के मार्जिन से पिछली बार जीते थे, वो टॉप स्कोरर थे पिछली बार, बिगेस्ट मार्जिन वाले। ये मुझे लगता है इस बार का बड़ा मार्जिन, इस बार का 6.5 लाख ये बहुत मायने रखता है। एक बार चलते हैं जल्दी से अर्पिता के पास, जिसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि अभी कौन कौन सी सीटें अटकी हुई है। देखिए 300 से नीचे फिसल गई है, अब एनडीए फिसल गया है 300 से नीचे, 299 पर।